हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक और वीडियो में। आज बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम में सबको पकोड़े खाने का मन होता है, आज इसलिए हम पकोड़े बना रहे हैं। थोड़ा बाहर का मौसम भी बता देता हूँ आपको, थोड़े स्लो मोशन वीडियोस डालता हूँ और पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो। बेसिन, चावल का आटा, कुकिंग सोडा, नमक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची। अभी क्या कर रहे हो? सबसे पहले आटा गूंदने का। एक बाउल आटा, ये तो एक टेबलस्पून चावल का आटा, पिंच कुकिंग सोडा, स्वादानुसार नमक। अभी थोड़ा सा तेल गरम करके इसके अंदर डालने वाले हैं। तेल गरम हुआ है, अब इसमें डाल देंगे। गरम है इसलिए पहले स्पून से थोड़ा ऐसा करके अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कर रही हूँ। बहुत पतला भी नहीं, गाढ़ा भी नहीं, मीडियम चाहिए इसको। विस्कर से किया तो अच्छे से हो जाता है, इससे कर लो। ओके। और थोड़ा पानी चाहिए। इसके बाद ये 5 मिनट रखना है मिक्स करके। अच्छा, अभी 5 मिनट हो गए हैं। अभी तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल गरम हो रहा है इधर। अभी इसमें मिर्च, हरी मिर्ची, प्याज, धनिया सब मिक्स कर देंगे। अभी हाथ से मिक्स कर रहे हैं? अच्छे से मिक्स हो जाता है ना, डालने के लिए भी अच्छे से डाल सकते हैं हाथ से। तेल गरम हुआ है, अभी थोड़ा गैस कम कर देंगे, मीडियम पे रखेंगे। छोटे छोटे डालेंगे तो अच्छे से पक जाता है, बड़ा डालेंगे तो अंदर पकता नहीं है। ज्यादा फ्लेम रखा तो जल्दी ऊपर कलर हो आ जाता है, अंदर पकता नहीं, इसलिए मीडियम पे रख के करना है। जितना डाल सकते हैं उतना डाल सकते। आराम से करना है, तेल गरम रहता है। गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, हल्का सा घुमाते रहना। हाँ, सब जगह एक ही कलर आता है। हाँ। गोल्डन ब्राउन हो गया, निकालेंगे। हो गया, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है ऐसा करने से, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहता है। यहाँ पे भी एक टिश्यू डाला है ताकि ऑयल जो भी है तो एक्स्ट्रा रहा तो निकल जाएगा। पकोड़े तैयार है, कितना क्रिस्पी है आप ही देखिए। पकौड़ा तैयार है। रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।